तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, जिसके अंदर रिएक्शन विद मेटल हुआ था, तो वुड्स फिटिक उल्मान फ्रेकलेट एंड फॉर्मेशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट, ये टॉपिक डिस्कस किए थे ना बच्चा लोग। आज थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सा बेटा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। E1 क्या था बेटा, E1 रिएक्शन में बताओ, रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा। वेरी गुड कार्बोकेटायन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है बेटा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एल्किन। और भी कौन सा एल्किन बेटा, सेटजप या हॉफमैन, सेटजप एल्किन। सेटजप एल्किन कौन होता बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, ठीक है बेटा। तो ये A1 रिएक्शन। A2 रिएक्शन में, E2 रिएक्शन में क्या होता बेटा, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट क्या होता बेटा, हॉफमैन और सेटजप, डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा है, एल्काहलाइड का और एल्किन सॉरी बेस जो यूज हो रहा है। इसमें खास बात बेटा, E2 रिएक्शन में जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप एक दूसरे के प्लेनर होना चाहिए कि एंटी प्लेनर, लिविंग ग्रुप एक दूसरे का प्लेनर होना चाहिए या एंटी प्लेनर बेटा, एंटी प्लेनर, एंटी प्लेनर, ये स्पेशली याद रखना बेटा, लिविंग ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एंटी प्लेनर टू ईच अदर, ठीक है बच्चा लोग। और E1CB तो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन आयन, इसे बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस, बेस फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये था बेटा, तो ये रिएक्शन है यहाँ पे। अब देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे Cl कैसा है बेटा, लिविंग ग्रुप है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाना, बेस को एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना, याद रखो भूल कहे जाते हो बेटा, तो बेबी को बेस पसंद है और बेस को क्या पसंद है, एसिडिक हाइड्रोजन, याद रखो। अभी ये पूछते तो बेबी को क्या पसंद है सब बोल देते हैं, तो बेस को क्या पसंद है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है
यहां पर बॉन्ड बना लेगा बेटा और ये सीएल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो क्या दिखेगा बेटा यहाँ पे बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया लास्ट में CL है ना, इधर का H इधर का CL HCl, क्लियर है बच्चा लोग, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था सिंपल से रिएक्शन बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना, बेस लिया ये रिएक्शन हो गया, बेस मतलब यहाँ पे अगर मैं KOH ले लूँ तो सॉल्यूशन का मीडियम कौन सा रखूंगा बेटा, एक्वस या अल्कोहलिक, एल्कोहलिक में बेस होता है, एक्वस में न्यूक्लियोफाइल हो जाता है बेटा, ऐसा रिएक्शन दे देगा वहां पे, इतना क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ देता है बेटा, यहीं पे क्या पूछ लेता है बेटा, ये नोट के अंदर जो रिएक्शन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है इनके अप्रोच, तो ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन में यहाँ पे दे देगा मिथाइल CLH CH3 इथाइल इथाइल, पूछेगा यहाँ पे बेस दे दिया रिएक्शन में और प्रोडक्ट पूछेगा बेटा, तो ऑप्शन ए वन टू फोर टू सिक्स ऑप्शन बी और सी बोथ, तो ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे बात आ गया स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो ये दोनों कंपाउंड्स है बेटा, एक सीस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में, तो फर्स्ट वाला ऊपर वाला सीस है या ट्रांस है बेटा, या फिर ई जे टर्म्स वर्ड यूज कर सकता है बताओ, फर्स्ट वाला कौन सा फॉर्म है बेटा, ये ऐसा है इसका सेकंड, हाँ यहाँ पे मेथाइल दोनों सेम साइड है, तो ये कौन सा हुआ बेटा सीस, यहाँ पे ये अलग ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट सेम, इधर भी तो नीचे वाला क्या है ट्रांस, तो सीस बनेगा ट्रांस बनेगा या दोनों बनेगा, तो ये हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, तो इस टाइप का अप्रोच क्या रखना क्वेश्चन में, और JEE में पूछ सकते हैं बेटा इस टाइप का, तो सबसे पहले इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना चाहिए, ये दो कार्बन है बेटा, अब कार्बन पे कौन कौन से ये दो ग्रुप इन द प्लेन होते हैं बेटा, ये कौन सा फॉर्म होता है बेटा, फिशर एक्लिप्स फॉर्म होता है या स्टेगर्ड फॉर्म होता है, फिशर कौन सा एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म कैसे, मतलब ये जो है और ये लाइन दोनों सेम साइड में है एक्लिप्स, ठीक है ना, इसको ऊपर नीचे कहीं भी बनाओ, ये ऐसा बना दो ऐसा होना दो, ये भी एक्लिप्स्ड होगा, एक्लिप्स मतलब क्या देखना है बेटा आपको, इन द जो प्लेन है ये इस टाइप का होना चाहिए, ये वाला अगर कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा, यू टाइप का एक्लिप्स्ड फॉर्म है, अगर यही कॉम्बिनेशन ऐसा दिख जाता है बेटा चेयर टाइप का तो वो कौन सा होता बेटा, स्टेगर्ड, समझ में आया, आया कि नहीं आया बेटा, तो फिशर एक्लिप्स्ड में है तो इसको भी कन्वर्ट हमको पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, तो देखो बेटा यहाँ पे CL और CL और H दोनों सेम साइड है, क्लियर है, ऊपर में क्या है बेटा मिथाइल, बिलो द प्लेन है ना बेटा, तो चलो मान लेते हैं मिथाइल को बिलो द प्लेन रख देते हैं, तो अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये भी बिलो द प्लेन है ना बेटा, होता है कि नहीं होता बेटा, इसका प्रोजेक्शन भूल गया हो तो दोनों सेम साइड, क्लियर है बेटा, अब बचा इथाइल, दोनों सेम साइड है मतलब दोनों अबव द प्लेन में होंगे, चलो आपको नहीं मालूम अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है कुछ नहीं मालूम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मालूम हो या ना मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क, बस तुमको पता होना चाहिए फिर सब प्रोजेक्शन है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है मतलब
दोनों को इन द प्लेन में रख लो, सी एल कर लिए, ये दोनों सेम साइड है तो दोनों को ऊपर रख लो, जैसे यहाँ पे नीचे रखे थे, चलो दोनों को ऊपर ऊपर रखे थे, यहाँ पे आप नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों को ऊपर रख लो तो भी आंसर करेक्ट ही रहेगा, इनकरेक्ट में जगह चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना बेटा, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, यहां तक कन्वर्जन में किसी कोई तकलीफ है तो बताओ, ये ए फॉर्म कैसे हुआ बी कैसे हुआ, दोनों में से कोई भी एक बनाओगे दोनों से ही आएगा आंसर, किसी को कोई तकलीफ है बेटा, बस ग्रुप को देखना और उसको प्लेस कर देना है बेटा एक जैसे लोकेशन पे, बस याद रखना लिविंग ग्रुप और इसको हमेशा किस पे रखना, इन द प्लेन पे, ये लिविंग ग्रुप है और बेस क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन। अब बताओ यहां तक कोई तकलीफ है तो करने क्या है बेटा, फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई भी फॉर्म बनाओ बस आपको याद रखना ये दोनों सेम साइड पे रखेंगे क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन है, तो फिशर प्रोजेक्शन में तो इधर एच कर लेते हैं इधर सी एल, तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगा बेटा, अबव द प्लेन, तो हम जनरली ऐसे बनाते हैं, अगर इसको ऊपर रखें तो इसको भी ऊपर, इसको नीचे रखें तो इसको नीचे, देखने में भी अच्छा लगता है, कंफ्यूजन भी कम होता है स्टूडेंट लोग को। बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, अगर समझोगे नहीं तो, और समझने के बाद बड़ा सिंपल लगेगा बेटा। तो यहाँ पे Cl इधर H इधर, अब बताओ दोनों मिथाइल सेम लोकेशन पे तो कहाँ रखूं बेटा, ऊपर रखो या नीचे रखो, जहां बोलो वहां पे, कहाँ पे रख दूं बेटा, एबव द प्लेन पे रख दूं, इस कार्बन का मिथाइल ऊपर है तो इस कार्बन का भी मिथाइल ऊपर होगा, ये दोनों सेम साइड है ये, तो क्या इस कंडीशन में SN2 रिएक्शन होता है क्या बेटा, देखो तो ये दोनों सेम है बेटा, इसी से ये बना समझ, क्या इस कंडीशन में SN2 रिएक्शन हो सकता है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एंटी प्लेनर टू इच अदर, तो बेटा यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl है और बेस किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को, दोनों सेम साइड पे हैं तो ये एंटी प्लेनर नहीं है बेटा, सेम प्लेनर है, इसको एंटी बनाना है, मतलब Cl को ले जाना है नीचे, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना, कार्बन के पास जो भी वैलेंसी है बेटा, यहाँ पे L4 लिविंग ग्रुप, ठीक है ना बेटा, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तो बेटा ये हो गया, ये इसको तो घुमाई नहीं है, जैसा वैसी रख दिए, जैसा है वैसा ही हमने रखा है, क्लियर है बेटा, बट यहाँ पे देखो लोकेशन चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ ऊपर से नीचे ऐसे घुमाओगे तो जो एबव द प्लेन में है वो बिलो द प्लेन, जो बिलो द प्लेन में है वो एबव द प्लेन, चल जाएगा कि नहीं बेटा, यस सर, बताया था ना ट्रिक, बस मिथाइल ऊपर था नीचे भेज दो, ये ऊपर भेज दो, अब क्या होगा जी बताओ, बेस अपना काम करना स्टार्ट, तो बेस को क्या पसंद है याद हो गया, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ है और ये चल बसा बेटा, रफू चक्कर 9, 2, 11 जो बोलना है बोल लो, तो कार्बन कार्बन के बीच बन गया डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे मिथाइल इथाइल, एक मिथाइल इधर है तो इधर का कार्बन जो अबव द प्लेन वाला है वो क्या है ऊपर है, ठीक है बेटा, यहाँ का इथाइल एक नीचे है, यहाँ पे मिथाइल नीचे है, तो कौन सा बना बेटा, सी एस या ट्रांस, कौन सा बना बेटा, ट्रांस, आंसर कौन सा होगा, बी, आया समझ में बच्चा लोग, या कई लोग बोलते हैं सर आप कैसे उसको एबो द प्लेन ले लिया, चलो ऐसा कर लेते हैं बिलो द प्लेन, लेकिन बेटा दोनों सेम साइड ही होगा अब क्योंकि एल्किन है, एल्किन है ना बेटा, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक इधर होगा बॉन्ड और एक इस साइड बॉन्ड होगा, तो इधर वाला एबो द प्लेन तो इधर वाला क्या होगा बेटा, बिलो द प्लेन होगा कि नहीं, ये एल्किन है तो इस साइड वाला एबो द प्लेन ले लेते हो तो इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा, बिलो द प्लेन,
एक्चुअल में है नहीं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, मान लेते हैं जो तुम्हारे साइड है अबव द प्लेन, हमारे साइड बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे भी देख लो नीचे क्या है बेटा, इथाइल इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे नीचे में क्या है बेटा, मिथाइल। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, मिथाइल है तो इधर क्या है इथाइल। अब भी ट्रांस है कि नहीं है बेटा, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब इसको एंटी प्लेनर बनाना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन करेगा बेस। देखो यहाँ पे चीजें कितना सिंपल, सीएल और हाइड्रोजन निकालना है, डबल बॉन्ड बना देना है। कई लोग उतना ही में उनका दिमाग खराब, अगर ये जब आ गया तब बताओ क्या करोगे। अरे ऐसा एडवांस में पूछता है, ठीक है ना बेटा, नसीब खराब हो तो कभी कभी मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। पुराने एडवांस के क्वेश्चन देखो तो ना इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको। हाइड्रोकार्बन में देखा ना, क्योंकि लास्ट में हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा ना, तो हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन दिखेगा तुमको। एडवांस वाले मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेना, मतलब सॉल्ट सॉल्ट आता है ना बेटा प्रीवियस ईयर के सॉल्ट पेपर, उसमें मिल जाएगा। तो क्लियर है सभी को? तो स्पेशली ये जो नोट के अंदर रिएक्शन है वो रटा होना चाहिए, क्या क्या किए हैं पहले, यहाँ पे ये कन्वर्जन कैसे बना इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों बनाया बेटा ऐसा, क्यों बनाया ये ऐसा, दोनों सीएल और एच को मैंने क्यों ऐसा ऊपर रखा, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन कौन से फॉर्म में होता है, बिकॉज फिशर प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ये क्यों बना बेटा, कन्वर्जन किए हैं बाय रोटेशन ऑफ दिस कार्बन, या फिर जो भी तुम मार्क कर लो, ए कर लो या बी कर लो। अब बेस एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके बनाएगा एल्कीन, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन होने के लिए एक दूसरे को क्या किया बेटा, एक दूसरे के एंटी मिलाना पड़ा, और फिशर में वो क्या था, सेम साइड में। आया समझो बच्चा लो? तो ये था बेटा JEE के कॉन्सेप्ट और एडवांस के कॉन्सेप्ट से, क्या करके टॉपिक वही रहेगा, एडवांस में स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज कर लेता है तो क्वेश्चन हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, और है कुछ नहीं बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस 3D इमेजिनेशन की बात है। तो 3D पिक्चर देख लिया करो, मतलब उससे देखने से तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी 3D पिक्चर कहने का मतलब है यूट्यूब जब चलाते हो ना बेटा, तो कभी कभी सर्च मान लिया करो 3D स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस एल्किन सिस एल्किन, ठीक है ना बेटा, 3D प्रोजेक्शन ऑफ फिशर सोहास। तो क्वेश्चन में वो वहाँ पे 3D में बहुत सारे PPT मतलब पावर पॉइंट वाले वीडियोस रहते हैं या एनिमेशन वाले वीडियो रहते हैं, तो वहाँ से एक अप्रोच मिलता है कि ऐसा ग्रुप दिख रहा है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे तुमको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वहां रहते हैं तो वो सब देखने का जरूरत नहीं, हम ही बता देते हैं ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, बट है ही नहीं, क्या करें। ठीक है बच्चा लोग, सर जैसे हाँ बेटा बोलो सर, जैसे एच और सी एल सेम साइड रहने चाहिए, तो सेम साइड रहने के लिए मतलब ऊपर नीचे या इन द प्लेन कहीं भी रह सकते ना? हाँ कहीं भी रखो, लेकिन हमको लास्ट में इन द प्लेन में समझ में आएगा ना बेटा, तुम यहाँ रखोगे इसको बिलो द प्लेन, इसको एबो द प्लेन रखोगे तो और स्टोइकोमेट्री दिक्कत हो जाएगा, तुम फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, इसलिए इन द प्लेन में ही रखना। रिएक्शन यहाँ भी रखोगे तो होगा, प्रोडक्ट यही मिलेगा, लेकिन उस समय कई लोग यही समझने में दिक्कत होता है, अगर तुम यहाँ पे सीएल यहाँ पे एच रख देते तब तो और दिक्कत होता कई लोगों को, तो इन द प्लेन में ही रख के सॉल्व किया करो। चलो नोट करो जल्दी, तो ये था इलिमिनेशन रिएक्शन। रब करो ना बेटा, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सॉरी थर्ड है ना, सी पॉइंट होगा, एबीसी का करेक्ट आंसर नंबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें SN1 SN2 ठीक है ना, अगर हेलो एलिंस लग गए तो SEAR भी मिलेगा। क्लियर बेटा? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि विलियमसन एम्सन इथर सिंथेसिस, इथर सिंथेसिस रिएक्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेटा। आज एक और नया नेम रिएक्शन का लिस्ट बढ़ जाएगा। तो देखो इसके नेम में क्या लगा है बेटा, इथर वर्ड यूज हुआ है। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे विलियमसन इथर सिंथेसिस में क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट इथर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका नेम पड़ा है विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो होता है क्या बेटा, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड मतलब RX रिएक्ट विथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्म्ड इथर बाय फॉलो ऑफ SN2 फॉलो करता बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये था स्टेटमेंट एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना बेटा, कोई भी हैलोजन फ्लोरोक्लोर ब्रोमो आइड ले लेते हैं, CH3CONA या फिर कॉमन RDS, ये दोनों सेम ना हो जाए इसलिए RDS कर रहा हूं, H के जगह पे NA, ये हो जाएगा बेटा सोडियम सॉल्ट। तो लिविंग ग्रुप है बेटा, तो ये कार्बन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा, और ये निक्लोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके रफू चक्कर, तो मिलेगा क्या बेटा ORDS इथर साथ में NAX। तो CH3 CH2 Cl मिथाइल NA, तब क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये निक्लोफाइल मेटल के साथ है और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इस कार्बन पर अटैक किया Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा बेटा CH3 CH2 OMa इथर हुआ बेटा NaCl। तो ये था बेटा बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना बेटा। तो विलियमसन इथर सिंथेसिस में एल्काइल है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, और क्या बनेगा बेटा इथर का फॉर्मेशन होगा। अब बात आता है नीट और JEE का, तो नोट वाली बात, तो सबसे पहले ये क्या फॉलो करेगा बेटा, ये याद रखना है, इट इज फॉलो, कौन सा सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता है बेटा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकेंड जो बातें यहां पे याद रखना है बेटा, SN2 मैकेनिज्म है तो रिएक्टिविटी कौन सा हैलाइड में ज्यादा होगा,
एंड रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल विथ एल्काइल हैलाइड, ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, या फिर इसी को कैसे बोल सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ विलियमसन रिएक्शन, या इसी को पूछ सकता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। तो SN2 डायरेक्ट ना बोल के ये तीन टर्म्स यूज कर सकता है बेटा, क्योंकि इनका मतलब ये भी विलियमसन है, ये भी विलियमसन रिएक्शन है। तो किस एल्का हैलाइड में जल्दी होता है बेटा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, किसमें फास्ट होगा बेटा बताओ, हे भगवान, ये ऑर्डर एकदम रटा होना चाहिए बेटा, बता के रखे हैं, का पढ़ाई करते हो भाई तुम लोग, कौन से हैलाइड में फास्ट होगा बेटा, पलटा लो नोट्स, पलटा लो बेटा, शायद दिख जाए वहां पे नोट्स में, ऐसा नहीं दिख रहा है, पलटाओ नोट्स, पलटाओ, शॉर्ट नोट बनाया हो ना, बनाया हो ना बेटा शॉर्ट नोट, यस सर, पलटाओ नोट्स, पलटाओ, दिखे वहां पे शायद कौन सा हाईलाइट में फास्ट होता है, नहीं बनाया तो यही चीज नोट करना है नोट्स में, और नहीं बना रहे हो ये सब नोट नहीं कर रहे तो फिर यूजलेस है तुम्हारा नोट्स, टॉपिक का हेडिंग लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो शॉर्ट नोट बनाने से कम पेज पलटाना पड़ा बेटा, प्राइमरी एल्काइल सेकेंडरी 0 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी और सबसे कम किस्म होगा टर्शरी, क्यों याद होगा तो बेटा यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो किसके पीछे होता है, उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पीछे की ओर होता है बेटा, यहाँ अटैक करना, यहाँ पे तीन लोग है बेटा तो भीड़ ज्यादा तो अटैक करते बनेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे याद आ रहा है, इसको घर से बाहर भेजना, ये लिविंग ग्रुप है, इसके पीछे तीन लोग खड़े हैं बेटा, ठीक है ना, ये दरवाजे के पास खड़ा है घर के, इसके पीछे में अटैक करना है, और यही बंदा के पीछे कोई नहीं है, इसको बाहर करना है, तो बताओ किसके पीछे में एक आध दो लात अच्छे से दे सकते हो, फर्स्ट वाले कंडीशन है सेकंड में, फर्स्ट वाले में, ओके, कॉमन सेंस वाली बात है ना बेटा, तो उस समय बताया कि नहीं बताया, तो सबसे पहले किस में होगा बेटा 0 डिग्री, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहाँ पे ये टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, भीड़ को स्टेरिक हिंड्रेंस या हिंड्रांस, जो अच्छा लगे प्रोनाउंस कर लो, याद आया कुछ, फिर भूल जाना, क्योंकि भूलना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता ना बेटा, तो पहला तो ये सीधा, सेकंड ये ऑर्डर, ठीक है ना, अब थर्ड में रिएक्शन देखो बेटा, ये NCERT टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम भी है इसी टाइप की रिएक्शन में, हमको मालूम है बेटा यहाँ पे एल्काइल हैलाइड RONA आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, इथर, यहाँ पे इथर का फॉर्मूला दे देगा बेटा, ये पूछेगा यहाँ पे RX बताइए, RONA बताइए, उल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये X हो गया ONA, या फिर ऐसे बना लो, तो दोनों से यही मिलेगा बेटा, ये X हो गया NA, और थर्ड में कुछ भी उल्टा सीधा बना देगा बेटा, ठीक है, तो आंसर A और B में से है, तो बताओ कौन सा पेयर ज्यादा सुटेबल है बेटा, दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, दिख रहा यहीं पे है ये हिंट छुपा हुआ इतने ही में,
दोनों से प्रोडक्ट वही मिलेगा बेटा, रिएक्शन अगर हुआ तो यही मिलेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ पे, यही मिलने वाला है सर। ए क्यों सर वहाँ पे वो आंसर ब्रांच कम है, ब्रांच कम है ना, हाँ तो उसको बाहर निकालने वाला आंसर होगा ए, ठीक है ना बेटा। आंसर क्या होगा ए, क्यों होगा बेटा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इज वेरी लो इन एल्काइल हैलाइड। समझ में आया बेटा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको मिला के देते तो तुरंत बन जाता, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो बेटा, अभी पढ़ाया लेकिन अभी देखो कैसे भूल जाओगे, मतलब इसी को समझ के सॉल्व करोगे, लेकिन एक चीज और स्पेशल है वो नहीं देखोगे कई लोग। सेम यही क्वेश्चन है बेटा, बस प्रोडक्ट चेंज करने वाला, कॉन्सेप्ट भी वही है। यहाँ पे ये हो गया, अरे यार उल्टा सीधा कर रहे हैं, नहीं ठीक है कोई नहीं। अब बताओ आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी आ रहे थे साथ में, अच्छा रहेगा। तो बताने का कष्ट करें, ये जो नोट वाले हैं ना चीजें बेटा, ये JEE और नीट के लिए हैं, और ऐसे ही सॉल्व प्रॉब्लम NCERT टेक्स्ट बुक में है, लेकिन ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मिलेगा हेलो एल्कोहल वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां पे दिया ही था फॉर्मेशन वाला। तो बताओ बेटा, आप दो ऑप्शन है बेटा, दोनों पे जय माता दी कर दो। कौन सा आंसर है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओगे, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो मेरे ख्याल से सब लोग ए टिक करेंगे, हाँ या ना बताओ या बेटा, एक मन कर रहे टिक करने के लिए। सही है, जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही है, लेकिन मैंने बहुत पहले एक और चीज पढ़ाया था, बेंजीन क्या है बेटा, बेंजीन है क्या, न्यूक्लियोफाइल, ये भी चीज याद रखना है। और बेंजीन के ऊपर कौन सा लगा है ग्रुप, एक्स हैलोजन, ये भी क्या होता है बेटा, प्लस आर। तो पहले से तो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ा दिया जी, तो क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे, बोलो। नो सर, नो सर, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी। तो अभी जो बोला उस चीज को नोट करना है, तो यहाँ पे रिंग जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन, उतना अच्छा रिएक्शन। लेकिन पीएच न्यूक्लियोफाइल कहाँ है बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनेगा, पहले से न्यूक्लियोफाइल है और साथ में हैलोजन उसके ऊपर आके और क्या कर दे बेटा, बोलते ना सोने पे सुहागा वाला हिसाब। तो इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और कम कर दिया, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना दिया। तो अब RMGX बोलता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ कहाँ में दोनों का मेल होगा, एक चाहिए न्यूक्लियोफाइल एक चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो मजबूरी में ये वाले कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करके ए ऑप्शन को हटा के आंसर कौन सा लेना पड़ेगा, से। तो ये बेंजीन के केस में बेटा, इसके केस में बेंजीन के केस में। फिर लोग बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल थोड़ी है बेटा, उसके पीछे रीजन है, हर चीज को याद नहीं रख सकते लोग, तो बोल देते बेटा याद रखो ये एक्सेप्शनल है, है एक्सेप्शनल ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें लोग याद नहीं करते हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए बेटा बेंजीन है ना तो उसको न्यूक्लियोफाइल ले लेना, बात खत्म, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन समझो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल इससे भी ज्यादा अच्छा है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे
जो निक्लोफाइल वो बेंजीन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ऐसा कैसा जो जो बोले हैं, जो जो बकवास किए हैं यहाँ पे, जो बोल बचन किए हैं वो नोट कर लेना, और यही चीजें तुमको याद दिलाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पता चला बेटा ये रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये ऐसा हर रिएक्शन जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, और एक वाल्डेन इन्वर्जन, तो खैर वो तो करवा चुके हैं किसमें, फिंकेलिस्टन में करवा दिया ना बेटा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है तो बहुत सारे, बट विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉलो ये करता है, ऑर्डर पूछ सकता है, थर्ड इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के अल्काहलाइड और सोडियम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल पूछ सकता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चा, लो छापो जल्दी से, अब उसके बाद होमवर्क की बारी। नोट कर लिया सब कोई बच्चा लो? बेटा नोट डाउन हुआ? दो मिनट, दो मिनट। और बेटा जो लोग रिएजेंट याद करके रखते हैं, जो रोज होमवर्क बोला जा रहा है सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो उनको अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा 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 अच्छा लगने लग गया होगा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूँ, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो और जो लोग ये सब नहीं कर रहे ना बेटा, तो एक दिन जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीट होगा ना, इस मंथ के लास्ट लास्ट में ऐसा लगेगा कि बिस्तर उस्तर कहीं लगवा दो सर, बस अब सोना ही है। और हेलो एल्केन्स, हेलो अरेंज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे बेटा? हेलो, अरे यार हाइड्रोकार्बन के, बेटा ये मत समझना कि हाइड्रोकार्बन का एपीपीएस है। तो सर अगर संडे टेस्ट हो रहा है नेक्स्ट संडे, जब भी अपकमिंग संडे को ऑब्जेक्टिव होगा, तो हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज में अलग क्वेश्चन, बहुत सारे रिएक्शन वहां से भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बेटा। वुड्स रिएक्शन यहाँ भी पढ़े पढ़े ना बेटा, वुड्स, क्रैकलैन, उलमान, फिटिक, यहाँ पे भी आया कि नहीं आया बेटा? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ भी पढ़े। तो हर एक ऑर्गेनिक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है बेटा, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो शुरू से 11 से लेकर 12 में लेके गया, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया तो मतलब खत्म करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सर ये मैंने खत्म हो जाएगा? हाँ तो हो गया, दो दिन के बाद हम दो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब इस वीक तो कंप्लीट ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक। अल्कोहल तो और भी छोटा चैप्टर है बेटा, उसमें कोई नया रिएक्शन नहीं मिलेगा। हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, हेलो एल्केन्स का रिएक्शन, इन दोनों को मिलाने पे जो भी रिएक्शन बनेगा वो टोटल के टोटल, टोटल भी नहीं, थोड़े से उससे कम रिएक्शन अल्कोहल में, बहुत छोटा चैप्टर है। और उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट इस महीने में कंप्लीट हो ही जाएगा चैप्टर, नहीं भी हुआ तो एक हफ्ता थोड़ा ज्यादा लग सकता है, सितंबर में, 5 से 10 सितंबर के अंदर खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा, और मतलब ऑर्गेनिक फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरा फिजिकल पढ़ने वाले। ट्वेल्थ का बेटा केमिस्ट्री ना बड़े टॉपिक तो है, लेकिन ना बड़े छोटे छोटे सिंपल से हैं बेटा, जल्दी हो जाते हैं। मेन टाइम बेसिक पढ़ाने में लगता है बेटा ऑर्गेनिक पे, पता चल गया होगा कितने, ऐसा लगा कई सालों से ऑर्गेनिक ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, और कुछ पढ़े ही नहीं है। यस सर, फिजिकली अच्छा रहता है।
फिजिकल क्या होता है बेटा, कोई चैप्टर का एक दूसरे चैप्टर से लिंक थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे जो हम लोग जियोसी से स्टार्ट किया नॉमेनक्लेचर से, पूरा जब देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो ही जाते हैं। अब वहां एक चैप्टर खत्म, फॉर्मूला खत्म, उसके कॉन्सेप्ट अलग, दूसरा चैप्टर नए फॉर्मूले नए कॉन्सेप्ट। तो अब होमवर्क के बारे बेटा, तो सबको पता चल गया एल्काइल हैलाइड में कौन सा कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, जिससे हेलोजन अटैच हो, क्योंकि वो कैसा एलिमेंट है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो हेलोजन जाना चाहता है बेटा, लेकिन कार्बन डायरेक्ट जाने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा, क्योंकि जाने के बाद कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक तो चार्ज बढ़ गया और उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया। तो कार्बन हेलोजन को छोड़ेगा क्या बेटा, नहीं, तो कार्बन हेलोजन को जाने देता नहीं है, तो क्या, और हेलोजन जाना चाहता है बेटा, तो यहाँ पे हमारा हेल्प कौन करेगा, कोई अलग न्यूक्लियोफाइल, बोलेगा न्यूक्लियोफाइल मैं कार्बन के साथ रह लेता हूँ, हेलोजन बोलता है तू आजाद हो जा, ठीक है ना, तो वैसे ही होता है बेटा। तो हेलोजन जाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, हेलोजन बाहर हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड हो रहा है, कि उससे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जितने भी एल्काइल हैलाइड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं बेटा CH3 CH2, यहाँ पे ले लेते हैं चलो Cl, ठीक है। अब थोक में रिएक्शन नोट करो बेटा, तो कुछ नेम रिएक्शन बेटा, सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन, क्या नाम है बेटा इसका, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। वैसे KGF वाला एक रिएक्शन है ना बेटा, मतलब AgF सिल्वर क्लोराइड, कौन सा रिएक्शन है बेटा, क्वार्ट्ज रिएक्शन। KCN में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा बताओ, चलो एक नेम रिएक्शन की बात करें तो मिथाइल ट्वाइस CuLi, ये कौन सा नेम रिएक्शन है बेटा, भूल गए, कोरे हाउस रिएक्शन, याद आया कुछ, KCN अगेन KCN, उसके बाद अगेन अगेन हो गया, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अब यहां पे ले लेते हैं वाटर, वन मोल, यहां पे ले लेते हैं LH, वाटर टू मोल या फिर एक्सेस, यहां पे अब ले लेते हैं LH और यहां पे लेते हैं LH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, तो CN न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा माइनस चार्ज वाला और ये ग्रुप बाहर, ठीक है ना बेटा। अगर AgCN लेते हो तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन नाइट्रोजन होता है, ठीक है, याद रखना। Ag2O लिए तो अलग अलग कंडीशन है, ड्राई के कंडीशन में अलग, मॉइस्चर के कंडीशन में अलग, मॉइस्ट मतलब वहां पे वाटर होगा, यहाँ पे बनेगा इथर और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल, इथर क्या होगा एल्कोहल क्या होगा, एक और रिएक्शन लिखते हैं AgCN सिल्वर नाइट्राइड LH, तो यहाँ पे CN न्यूक्लियोफाइल होगा। Ag पे कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन दो बार न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे एक बार न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन, दो बार है लेकिन एक मॉइस्चर से एस मिल जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
मैग्नीशियम पीएचए ठीक है, मैग्नीशियम पीएचए क्या बनेगा बेटा यहाँ पे मीडियम में H प्लस एसिड। अगर इसमें बेंजीन ले लो ऐसे AlCl3 कौन से रिएक्शन है बेटा ये क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना बेटा, सोडियम मेटल ले लो PHF डाइथर हीट कर दूं, ये कौन सा नेम रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी इसी का एग्जांपल है बेटा सब्स्टिट्यूशन का है SN2 रिएक्शन का नाइट्रो एल्केन NaNO2 नाइट्रोजन AgONO सिल्वर नाइट्रो एल्केन नाइट्राइट्रो एल्केन और कौन कौन से रिएक्शन है ये भी हो गया सिल्वर नाइट्राइड बेंजीन बेंजीन के साथ है CH3 तो ये भी फ्रीडा का आप एल्काइलेशन है बेटा, देखना है कहाँ पे होगा ये CL SN2 और कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल तो ऑलमोस्ट जितने भी यूज होने वाले हैं बता ही दिए हैं। अच्छा विलियम्स है इंटरसिंथेसिस ही नहीं लिखे बेटा CH3 CONA ठीक है, ये है विलियम्सन इथर सिंथेसिस रिएक्शन WES विलियम्सन इथर हाँ तो ये रहेगा होमवर्क कर लोगे बेटा कंप्लीट। थोक में हो गया बेटा SN2 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल। ठीक है बच्चा लोग बाय सर, बस बच्चे का क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन कल देख लेंगे। बाय सभी को बच्चा लोग बाय सर बाय बेटा।